बजाज ने कर दिखाया है भाई, वो है अपना प्लेटिना 110 ABS के अंदर भाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं ABS ब्रेकिंग। अब भाई नेक्स्ट जो चेंज की अगर बात करें अपन, तो वो रहने वाला अपना मीटर कंसोल, बड़ा बदलाव करा है बजाज ने। वो है भाई यहाँ पर आपको डिस्क मिल जाएगा प्लस सिंगल। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समीर मोटर वर्ल्ड। भाई जिस चीज़ का काफ़ी समय से इंतजार था, वो अब बजाज ने कर दिखाया है भाई। वो है अपना प्लेटिना 110 ABS के अंदर भाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं ABS ब्रेकिंग सिस्टम, एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पर आपको दे दिया है बजाज ने प्लेटिना 110 के अंदर। और भाई वो भी अपना इंडियन सेगमेंट की भाई फर्स्ट बाइक होने वाली है 110 CC की, जिसके अंदर अपना ABS सिस्टम देखने के लिए मिल जाएगा आपको। और भाई और भी काफ़ी सारे चेंजेस करे इसके गाड़ी के अंदर बजाज ने, उस बारे में अपन आज पूरा डिटेल से इस वीडियो में अपन कवर करेंगे। क्या कुछ चेंजेस करें, क्या कुछ अपना नया डाला है, क्या कुछ अपना इसमें सेम रहने वाला है, तो इस टाइप से यहाँ पर आपको पूरा लुक दिया गया है। फ्रंट से बताता हूँ भाई, फ्रंट से शुरुआत करते हैं। क्या कुछ आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, इस टाइप से आपको लाइटिंग सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा पूरा ओवरऑल अपना। हैलोजन के अंदर यहाँ पर आपको दिया गया है कि यहाँ से अपन ऑन करते हैं तो इग्निशन यहाँ पर अपना ऑन हो जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आपको बटन भी मिलता है, आप लाइट यहाँ से बंद भी कर सकते हैं इस टाइप से, फिर अपना सिस्टम ये रहेगा। तो बात करो अगर सस्पेंशन की, तो डुअल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन का यहाँ पर आपको सेटअप दिया गया है। इस टाइप से अपना पूरा सिस्टम रहने वाला है। बस इंडिकेटर भी यहाँ पर आपको स्टाइलिश देखने के लिए मिल जाएंगे। एक बार मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ, इस टाइप से पूरा अपना सेटअप रहने वाला है। एक बार लाइट बंद करते हैं अपन, तो यहाँ पर आपको डुअल टेलीस्कोपिक सिस्टम आपको देखने के लिए मिलेगा। प्लस यहाँ पर जो सबसे बड़ा बदलाव करा है बजाज ने, वो है भाई यहाँ पर आपको डिस्क मिल जाएगा प्लस सिंगल चैनल ABS का सपोर्ट अभी बाइक आपको देगी। तो भाई ये काफ़ी सही अपना रहने वाला है, सिंगल चैनल अब आ गया है। तो आप आराम से इस बाइक को थोड़ा अगर तेज भी चलाएंगे तो आपकी ब्रेकिंग सिस्टम जो है और ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा, प्लस आपकी सेफ्टी के लिए काफ़ी बढ़िया अपना फ्यूचर होने वाला है। एंड्यूरेंस का यहाँ पर आपको ब्रेकिंग सिस्टम देखने के लिए मिल जाएगा, तो ये काफ़ी सही अपना ये रहने वाला है। बाकी यहाँ पर आपको अलॉयज पर भी गोल्डन कलर की पट्टियाँ यहाँ पर आपको दी गई है, तो ये भी काफ़ी सही लुक वगैरह को एनहेंस कर रही है। प्लस जो अपना मडगार्ड वगैरह है प्लास्टिक के अंदर आपको मिल जाएगा, काफ़ी सही डिसेंट सी क्वालिटी का ये अपने रहने वाले। ग्राफिक्स वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। एंड नीचे की तरफ आपको दिखाता हूँ, 80x117 inches के यहाँ पर आपको लेविस वगैरह दिए गए हैं। इस टाइप से ये पूरा अपना आगे का लुक रहने वाला है। ओवरऑल कमेंट में ज़रूर बताना भाई डिस्क का सिस्टम आपको कैसा लगा। अब बात करते हैं अपने साइड प्रोफाइल की, साइड प्रोफाइल इस टाइप से अपनी रहने वाली है, सेम ही आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर आपको जो है फ्यूल टैंक अपना 11.5 लीटर का देखने के लिए मिल जाएगा। लेग गार्ड यहाँ पर आपको दिया गया है, फ्यूल टी का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इस टाइप से ये अपना रहने वाला है बजाज की 125 सीसी की बाइक्स में। अभी भी भाई आपको ये सेम सिस्टम देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि अपना ई कार्बोरेटर के नाम से आता है। अगर बात करूँ नीचे की, तो भाई यहाँ पर आपको साइड स्टैंड और सेंसर वगैरह मिल जाएगा। साइड स्टैंड मेन स्टैंड दोनों का यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। प्लस 5 गियर के साथ ये गाड़ी अपनी आती है। यहाँ पर आप सोचते हैं 1, 2, 3, 4 प्लस एच गियर, यानी जो 5वां गियर है, या हाईवे गियर भी आप इसे कह सकते हैं, वो वाला यहाँ पर आपको सिस्टम देखने के लिए मिल जाएगा। प्लस यहाँ पर जो अपने चेन कवर वगैरह भाई ये प्लास्टिक में आपको मिल जाएंगे, ये भी काफ़ी सही रहने वाले हैं। फुट पैक्स भाई काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पर आपको दिए गए। प्लस अगर सस्पेंशन की रियर की बात करूँ, तो यहाँ पर आपको जो है नाइट्रोक्स के साथ रियर का सस्पेंशन सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाएगा ट्विन। और बाकी इस टाइप से अपनी सीट वगैरह यहाँ पर रहने वाली है, काफ़ी ज़्यादा लंबी लॉन्ग यहाँ पर आपको सीट देखने के लिए मिल जाएगी। कम्फर्ट एक यहाँ पर आपको बेजिंग वगैरह भी दी गई है इस टाइप से। भाई कम्फर्ट एक की बेजिंग इसलिए मिलती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल यहाँ पर आपको सीट देखने के लिए मिलेगी। प्लस ये अपना ग्रैबल्स इस टाइप से अपना रहने वाला है। अब बात करते हैं एक बार इस गाड़ी के रियर लाइटिंग सेटअप की, तो रियर का लाइटिंग सेटअप इस टाइप से अपना ये रहने वाला है। इंडिकेटर वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, लाइटिंग इस टाइप से अपनी रहने वाले। भाई पहले भी ऐसी आती थी लाइट वगैरह, पहले भाई गोल आती थी, यहाँ पर आपको एक कर्व देखने के लिए मिलेगा इस टाइप से। प्लस नीचे अपना नंबर प्लेट का ऑप्शन आ जाएगा एंड मडगार्ड वगैरह यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर इंजन की, तो भाई यहाँ पर आपको जो है सिंगल सिलेंडर के साथ ट्विन स्पार्क DTS इंजन देखने के लिए मिलेगा, जो कि अपना 8 PS की पावर प्लस 9 Nm ऑफ टॉर्क जनरेट करता है। माइलेज वगैरह की बात करो, तो भाई इजीली ये आपको 70 के लमसम माइलेज निकाल के दे देगी। ये काफ़ी सही रहने वाला है 110 CC की बाइक है। एक बार इस बाइक का मैं आपको एक जो साउंड भी सुना देता हूँ, एक बार आप इंजन नॉइस भी सुन लीजिए। इंजन नॉइस काफ़ी ज़्यादा इसकी कम रहने वाली है। प्लस किक और सेल्फ दोनों का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। एंड अगर बात करो हैंडल एरिया की, तो भाई यहाँ पर आपको जो अपने लाइटिंग के कंट्रोल्स वगैरह यहाँ पर आपको दिए गए, लाइट आप ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने हिसाब से। अदरवाइज भाई DRL तो अपना ऑन रहेगा ही। प्लस सेल्फ ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सिंगल रोड के अंदर यहाँ पर आपको अपना हैंडल बार दिया हुआ है। प्लस यहाँ पर आप जैसे अपना लो बीम हाई बीम यहाँ पर आपको मिल जाएगा, पासिंग स्विच यहाँ पर आपको जो अपना लो बीम हाई बीम, प्लस यहाँ पर आपको पासिंग स्विच रहने वाला, इंडिकेटर प्लस सिंगल हॉर्न का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अब भाई नेक्स्ट जो चेंज की अगर बात करें अपन, तो वो रहने वाला अपना मीटर कंसोल। इस टाइप से भाई यहाँ पर भी आपको जो डिजिटल मीटर कंसोल दे दिया गया है।
120 की टॉप स्पीड रहने वाली है, गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर रहने वाला है, ऑडो रहने वाला है, टाइम रहने वाला है, प्लस फ्यूल रेंज वगैरह अपना यहाँ पर रहने वाला है। ABS लाइटिंग यहाँ पर आपको मिलेगी, माल फंक्शन लाइटिंग मिल जाएगी, प्लस अपना लो बीम हाई बीम वगैरह की लाइटिंग मिल जाएगी, यहाँ पर आपको न्यूट्रल लाइटिंग वगैरह दी गई है। हाँ तो फ्रेंड्स, इस टाइप से अपना पूरा सिस्टम रहने वाला है। अब भाई बात आती है प्राइसिंग की, भाई ऑन रोड आपको लमसम ही आपको 87-88,000 के अराउंड देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी आपका शोरूम का एड्रेस वगैरह मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यहाँ पर आप कर सकते हैं कॉन्टैक्ट वगैरह, आपको पूरी डिटेल वगैरह ये दे देंगे शोरूम वाले अपने। जेएम बजाज टोंक रोड जयपुर में इनका शोरूम रहने वाला है, एड्रेस भी आपको नीचे शो कर दूंगा मैं और नंबर भी डाल दूंगा। भाई कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 110cc के अंदर काफ़ी शानदार बाइक रहने वाली, चलाकर भी देख रखा है, प्लस इसका माइलेज वगैरह मेरे को काफ़ी अच्छा देखने में लगा। और भाई माइलेज के लिए तो भाई इसके क्या ही कहूँ मैं, भाई काफ़ी शानदार माइलेज निकाल के देती है, प्लस आप इजीली जो है इसकी सीट वगैरह भी कंफर्टेबल राइड वगैरह आप इस पर कर सकते हैं। कलर भाई सेम ही रहने वाला है, एक बार पे आपको पुराना वाला, पुराना तो नहीं कहीं जो अपना ड्रम वाला वेरियंट आता वो भी आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। भाई आपको देख सकते हैं आप, इस टाइप से अपना रहने वाला है, ओल्ड में इस टाइप से आता था, प्लस यहाँ पर आपको कोई भी जो है अपना डिस्क प्लेट वगैरह सिस्टम यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, नॉर्मल अपना ड्रम ब्रेक्स वगैरह रहने वाला है। तो इस टाइप से पूरा अपना सेटअप रहने वाला है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, प्लस भाई ये बाइक वैल्यू फॉर मनी है नहीं ये भी बताना। मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।